लेकिन सवाल यह है कि पोल्यूशन को भी हटाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, कोशिशें अभी तक कामयाब नजर नहीं आ रही हैं। क्या यमुना साफ होगी, ये बड़ा सवाल है, लेकिन कम से कम कोशिश दिखाई दे रही है, इच्छा दिखाई दे रही है। और दिल्ली में हवा, जैसा मैंने कहा आपसे, बेहद खराब है, सांस लेना मुहाल है, लाख कोशिशें की जा रही हैं लेकिन स्थितियां नहीं सुधरती दिखाई दे रही। दिल्ली अब भी धुंध की चादर में ढकी हुई है। जहरीली हो चुकी दिल्ली की आबो हवा से दिल्ली वासियों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। तमाम पाबंदियों के बीच आज भी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली का ओवरऑल AQI आज 362 दर्ज किया गया, जबकि कल ये 380 था। कल से आज थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन दिल्ली अभी भी धुंध की चादर में ढकी हुई है। 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 थर्मल प्लांट्स में से 6 थर्मल प्लांट को 30 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। एसेंशियल सेवा में लगे ट्रक्स को ही केवल दिल्ली की सीमा में प्रवेश की इजाजत होगी। जनरेटर के प्रयोग को पूरी तरीके से मनाही है। इसी के साथ ही 10 से 15 साल पुरानी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ सकती हैं। उधर मुंबईकर्स के लिए भी थोड़ी राहत की खबर है। मुंबई में बारिश के बाद आज सुबह से आसमान साफ है। पूरे मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 204 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है।